हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज हम आ गए हैं एक DDJY प्रोजेक्ट का रिव्यू करने, और ये प्रोजेक्ट आ जाता है सेक्टर 34 सोनीपत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज ग्रीन एस्टेट की, जिसका सेकंड फेज आ गया है। फर्स्ट फेज आपको ऑलरेडी पता है कि फुली सोल्ड आउट हो गया था 2 से 2.5 घंटे के बीच में। तो ये सेकंड फेज लेके आए हैं, और ये अगेन सेम साइट पे आ जाता है फेज टू के नाम से, गोदरेज ग्रीन एस्टेट फेज टू। सो आइए पहले इसकी एक बार कनेक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी इसकी मेन है। जो कि दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा या कहीं से भी कोई इन्वेस्ट करता है, तो एटलीस्ट उसको कैसे हम इस लोकेशन पे आ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मैं कनेक्टिविटी अपना दिखाऊंगा GT करनाल रोड से, करनाल बाईपास जो रोड है डेली में, वहां से हम कनेक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, और कनेक्टिविटी के बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो कनेक्टिविटी मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ, GT करनाल रोड से शुरू कर रहा हूँ। ये सीधा रोड आपका जो है प्रोजेक्ट पे जाएगा। मैं दिल्ली से अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं साइट पे। ये देखिए सामने जो आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये आपका कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे है, KMP है, जिसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, और इसके साथ जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। तो अब अभी हम GT करनाल रोड से बिल्कुल सीधा आए हैं, कहीं भी नहीं मुड़े, और आगे जो है 334 भी एक हाईवे आएगा, और उस हाईवे के हमें ऊपर नहीं जाना, उसके लेफ्ट जाना है। लेफ्ट जाते ही जो है हमारा जो है प्रोजेक्ट आ जाता है। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे जो फ्लाईओवर आ रहा है 334B जो हाईवे है, सो इससे हमें लेफ्ट जाना है। हम थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट लेके आएंगे, लेफ्ट जाना है, और लेफ्ट 3 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये अब हम एंटर कर चुके हैं गोदरेज ग्रीन एस्टेट में। लेफ्ट साइड आप देख रहे होगे, ये इनकी जो है गैलरी बन रही है, ब्रांडिंग आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ। सो ये आ जाती है इसकी कनेक्टिविटी। आई होप इसकी कनेक्टिविटी आपको क्लियर होगी होगी। सो मैं अगेन बता देता हूँ, जब आप करनाल बाईपास रोड से आते हैं तो आपका जो एक्सप्रेस वे आता है, उस एक्सप्रेस वे से आपको लेफ्ट लेना। लेफ्ट लेते हार्डली 5 से 7 मिनट पे साइट आ जाती है। अगर मैं दिल्ली बॉर्डर से बात करूं तो 10 किलोमीटर जहां से हमने स्टार्ट की थी अपनी ये कनेक्टिविटी, वहां से GT करनाल रोड से 30 किलोमीटर, और गुड़गांव से बात करोगे तो अराउंड 80-90 किलोमीटर जो है गुड़गांव से पड़ती है, और सेक्टर 34 सोनीपत आ जाता है।
इस हिसाब से जो है इसकी कनेक्टिविटी निकल के आती है। नॉल टॉक अबाउट द बिल्डर, बिल्डर इसमें आ जाता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि 1990 में कंपनी फाउंड हुई थी। ऑल्दो गोदरेज जो है सबसे पहले लॉक में आया था और काफ़ी पुरानी कंपनी है, बट प्रॉपर्टी में 1990 में इन्होंने कंपनी बनाई थी और 2010 में जो है ये मार्केट में लिस्ट हुए थे। और अभी आज की डेट में बात करूँ तो 12 मेजर सिटीज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली NCR, आपका जो हो गया अहमदाबाद हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, नागपुर, इन सब सिटीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट है और एक ब्रांड है। और अगर मैं पर्टिकुलर गुड़गांव की बात करूँ तो इनके काफ़ी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि गोदरेज समिट, गोदरेज नेचर प्लस, गोदरेज मेरिडियन, गोदरेज आर्यो, गोदरेज 101, सो मल्टीपल इनके प्रोजेक्ट हैं, कुछ डिलीवर हैं और कुछ अबाउट टू रेडी टू मूव और कुछ डिलीवर होने वाले हैं। सो ये था बिल्डर के बारे में, नॉल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, लास्ट ईयर रेरा आया था और अराउंड 700 के क्लिप प्लॉटिंग है, 350 इनके फर्स्ट फेज में आए थे, फुली सोल्ड आउट है, 350 के अप्रोक्स ये इस फेज में लेके आए हैं। DDJY की प्लॉटिंग है, आई थिंक DDJY मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि DDJY प्लॉटिंग जो होती है उसमें 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे आपकी प्लॉटिंग रहती है और आप इंडिविजुअल रजिस्ट्री करा के उसको सेल आउट कर सकते हो। बेसमेंट स्टिल 4 फ्लोर आप बना सकते हो उसके ऊपर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और गेटेड आपकी रहती है, अंडरग्राउंड केबल्स रहती हैं और बेसिक आपकी अम्यूनिटी होगी, इस हिसाब से कॉन्सेप्ट कुछ रहता है। यहाँ पे जो है 4 ब्लॉक हैं आपके, 4 ब्लॉकों में इसको डिवाइड किया हुआ है, वो मैं एक AV दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। और प्लॉट साइज आपका रहेगा 120-180 स्क्वायर यार्ड, ये आपका प्लॉटिंग साइज रहेगा। फर्स्ट फेज सोल्ड आउट हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज की और DDJY प्लॉटिंग है। नाउ टॉक अबाउट दी हैबिटेशन, अगर मैं हैबिटेशन की बात करूं तो 6-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको हॉस्पिटल, स्कूल्स और आपको जो है जो मॉल, ये सब आसपास मिल जाते हैं। मैंने फ्लैश किए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से स्कूल जो हैं आपके इस डिस्टेंस के अंदर आते हैं, हॉस्पिटल कौन से हैं, मॉल आपके कौन से हैं और होटल कौन से हैं, ये सब मैंने फ्लैश कर दिए, आप देख सकते हो। सो इस हिसाब से कुछ हैबिटेशन आने वाली है। नाउ टॉक अबाउट दी एम्यूनिटीज, सो सबसे मेन USPS की एम्यूनिटीज, इसमें आपको 22,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिल जाता है जिसमें स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, इसके अलावा आपको टेबल टेनिस, रेस्टोरेंट, हर टाइप की आपको मिल जाती है वहाँ पे एम्यूनिटीज। इसके अलावा जो है आपका गेटेड रहेगा, जो ल्यूथियन बेस आपके जो ग्रीनरी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, 4 पार्क जैसे मैंने आपको बताया, तो ग्रीनरी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो ग्रीनरी की अगर बात करोगे तो अच्छे खासे पार्क यहाँ डेवलप कर रहे हैं, 2,000+ ट्री इनका प्लान है करने का। आपके अंडरग्राउंड आपकी केबल रहेगी, CCTV सर्वाइलेंस रहेगा, गेटेड आपकी कम्युनिटी रहने वाली है। सो ऑलमोस्ट हर टाइप की आपको जो एम्यूनिटीज जो है यहाँ पे जो है मिलने वाली है। सो अगर मैं फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करूँ यहाँ पे, सो आपको पता होगा RRST जो है मेट्रो जो है आपका डेली से लेके पानीपत तक जो बनने वाली है 130 किलोमीटर, उसका स्टेशन इस लोकेशन से 6 किलोमीटर दूर पे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट के पास है। तो यहाँ से 6 किलोमीटर पे आपको एक तरह से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिल रही है, प्लस आपको जो पता होगा सोनीपत के करगोदा के अंदर जो है मारुति का प्लांट लग रहा है और काफ़ी बड़ा प्लांट है जिससे जो रिक्वायरमेंट जनरेट होगी उनके यहाँ पे स्टे करने की। प्लस इसके अलावा मैं बात करूँ जो ये एजुकेशन हब आपका राजीव गांधी जो आपका जो है एजुकेशन सिटी आप एक तरह से कह सकते हो, इसमें यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, तो अच्छा खासा एक एजुकेशन हब भी है। मारुति के प्लांट की तो आपको पता ही है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, काम उस पर चल ही रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये सोनीपत के अंदर जो गोहाना IMT जैसे आपका मनेसर IMT है या IMT सोना जैसे बन रहा है वो भी है, तो ये 2-3 चीज़ें काफ़ी जो है इस चीज़ को बूस्ट करेंगी। सो इस हिसाब से कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट भी यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं इसके पेमेंट प्लान की। सो पेमेंट प्लान कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, अभी आपको 7 लाख का EOI देना है और फिर जो है इनकी अलॉटमेंट अराउंड 10-15 फरवरी के बीच अलॉटमेंट होगी। अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको 10% आपको पेमेंट करनी होगी -7 लाख, फिर उससे 10-15 दिन में आपको 10-15% 45 डेज में, और फिर टिल सितंबर अक्टूबर तक आपको 10-15% के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट यू हैव टू पे दी पेमेंट। सो इस हिसाब से कुछ इसका पेमेंट प्लान है। EOI के आई थिंक आपको बेनिफिट्स पता ही हैं कि EOI पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है वो, और आपको मनपसंद यूनिट्स भी मिल जाती हैं।
सो इस हिसाब से कुछ एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है। नाउ टॉक अबाउट दी आवर लास्ट सेगमेंट प्राइजिंग। सो प्राइजिंग जो रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लाख की आपको ईओआई देनी है और उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट के टाइम पे जो है आपको होगा। बट अभी जो इसका प्राइजिंग है, जो फर्स्ट 75% इन्वेंट्री है उसकी प्राइजिंग 90,000 से 1,05,000, 90,000 से 1,05,000। बैलेंस 25 की प्राइजिंग 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में रहेगी। सो जितना जल्दी आप ईओआई देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ईडीसी भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड होगा। प्लस आपको अगर आपको फर्स्ट फेज की याद हो तो वो ऑल्दो 2-2.5 घंटे के अंदर फिनिश हुआ था और आपको पता ही है किस प्राइजिंग पे यूआई ली थी और किस प्राइजिंग पे आया था। तो यही बेनिफिट यहाँ सेकंड फेज में मिलने वाला है, क्योंकि फर्स्ट फेज से अच्छी इन्वेंट्री है, कुछ इन्वेंट्री 24 मीटर रोड पे है, पार्क फेसिंग है, और आप अगर अब यूआई देते हो तो उसके बेस पे आपको डिस्काउंटिंग और वो भी मिल सकते हैं। बाकी मैंने आपको लोकेशन समझा दी, फ्यूचर डेवलपमेंट आपको मैंने बता दिया है, गोदरेज का प्रोजेक्ट है ये, DDJY की प्लॉटिंग है, और कहीं ना कहीं दिल्ली से भी अच्छी कनेक्टिविटी रोड के थ्रू भी है, प्लस जो मेट्रो की भी कनेक्टिविटी आ रही है वो भी काफ़ी इसको बूस्ट करेगी। 6 से 7 किलोमीटर पे आपका जो मेट्रो स्टेशन जो आपका प्रपोज्ड है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट गोदरेज ग्रीन एस्टेट इन सेक्टर 34 सोनीपत। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कनेक्टिविटी से रिलेटेड इशू है, साइट विजिट है, ईओआई के बारे में आप जानना चाहते हो या इसमें इंटरेस्ट आपको है, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।